आज भौतिकी के एक बहुत ही रोचक पाठ का अध्ययन करेंगे। वह पाठ है प्रकाश और उसका परावर्तन। प्रकाश, जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत जरूरी है हमारे आसपास की चीजों को देखने के लिए। इससे हम किताबें देख सकते हैं, मेज देख पाते हैं, आसपास के लोगों को देख पाते हैं, और अगर प्रकाश ना हो तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम का उपयोग हम अपनी दिनचर्या में बखूबी करते हैं, चाहे वो अपने सर के पीछे के बालों को देखना हो दो दर्पणों का उपयोग करके, या फिर अपनी गाड़ियों में लगे शीशों से पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखना हो। आइए अब प्रकाश के परावर्तन के पीछे के नियमों को समझें। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक टॉर्च से प्रकाश की किरणें एक दर्पण पर आपतित हो रही है, आ रही है, और फिर टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है। तो वो कोण जो इस अविलंब और इस आपतित प्रकाश की किरण के बीच बन रहा है, इसे हम कहते हैं आपतित कोण। आपतित कोण, और वो कोण जो परावर्तित किरण और उसी अविलंब के बीच बन रहा है, उसे हम कहते हैं परावर्तित कोण। अगर हम आपतित कोण को आई से दिखाएं, आई, और परावर्तित कोण को आर से दिखाएं, छोटा आर, स्मॉल आर, और स्मॉल आई से दिखाएं, तो एक समतल दर्पण के लिए आई इज इक्वल टू आर। आई हमेशा आर के बराबर होता है, अर्थात जिस कोण के साथ किरणें आपतित होती हैं उसी कोण के साथ किरणें परावर्तित भी हो जाती हैं। दसवीं कक्षा में हमें गोलीय दर्पणों से प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है। इस चित्र में यह जो दर्पण है, इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण, और इसको उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। आप जैसा देख रहे हैं, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें हमेशा अवतल भाग की ओर आती हैं, और उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें हमेशा उत्तल भाग की तरफ आपतित होनी चाहिए। हम इसे एक बहुत साधारण तरीके से भी समझ सकते हैं। एक चम्मच, जिधर से उसमें कोई चीज रखी जाती है चम्मच में, जैसे कि चम्मच में हम जब चीनी उठाते हैं, तो जिस भाग से हम चीनी उठा पाते हैं उस भाग को कहते हैं अवतल भाग, और जो भाग नीचे की ओर रहता है उसे हम कहते हैं उत्तल भाग। तो ये जो चम्मच है, अगर ये बहुत अच्छे से पॉलिश किया हुआ है, बहुत चमकदार चम्मच है, तो इसमें हम अपनी खुद के चेहरे को भी देख पाएंगे। तो जैसा कि यहाँ एक चित्र में दिखाया जा रहा है कि अगर आप चम्मच को अपने चेहरे की ओर करके पकड़ के रखें, और दोनों दो तरीकों से, एक बार अवतल भाग हो एक बार उत्तल भाग की तरफ से, तो आपको अपना चेहरा दिखाई देगा, पर दोनों चेहरों में बहुत अंतर होगा। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आइए अब देखते हैं अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो ये दर्पण जो हम देख रहे हैं दोस्तों, ये एक अवतल दर्पण है, और जब भी अवतल दर्पण से के सामने समानांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, समानांतर प्रकाश की किरणें किसके, समानांतर अपने मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष, यह मुख्य अक्ष है दोस्तों, तो इस मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं वो फोकस की ओर केंद्रित हो जाती हैं। यह जो F यहाँ लिखा है दोस्तों बड़े अक्षरों में, यह फोकस है, इसकी ओर केंद्रित हो जाती हैं समानांतर प्रकाश की किरणें। ये जो C लिखा है दोस्तों, ये C को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, अर्थात वक्रता केंद्र। यह वक्रता केंद्र यह बतला रहा है दोस्तों कि यह अवतल दर्पण जिस भी बड़े से गोले का अंश होगा, उस गोले का केंद्र कहाँ पर है, तो C उसका केंद्र है। इस दूरी को, ये दूरी दोस्तों, अगर मैं इस बिंदु को जो कि अवतल दर्पण पे है P से लिखूं, P, तो ये P और F की जो दूरी है, इसको हम कहते हैं, इसको हम दिखा सकते हैं स्मॉल f से, जिसको हम कहते हैं फोकस दूरी।
फोकस दूरी। तो PF इज इक्वल टू स्मॉल f, और ये एक ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जितनी लंबाई PF की होती है उतनी ही लंबाई CF की भी होती है, अर्थात यह F P और C का मध्य बिंदु है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों कि PC इज इक्वल टू 2 इंटू PF, और अगर इस PC को हमने स्मॉल c से दिखाया तो, और PF को स्मॉल f से जैसा हम पहले दिखा चुके हैं, तो F इज इक्वल टू C बाय 2 ऐसा हो जाएगा। ये स्मॉल c जो मैं लिखता हूँ दोस्तों, ये स्मॉल c ये दूरी है, ये इस दूरी को कहते हैं स्मॉल c, और इसका अगर नाम मैं बताऊं आपको तो इसको हम कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ये स्मॉल c वक्रता त्रिज्या है दोस्तों। तो आगे जब भी मैं वक्रता त्रिज्या बोलूं तो उसका अर्थ होगा दूरी p और c के बीच की। आइए अब सीखते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को कैसे बनाएं। तो ये जो दर्पण यहाँ हम देख रहे हैं ये अवतल दर्पण है, यह बिंदु जिसको हम फोकस कह रहे हैं, और यह बिंदु जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता केंद्र कह रहे हैं। तो मैं एक वस्तु वक्रता केंद्र से परे रख रहा हूँ, इसको मैं नाम देता हूं ए बी। तो ये जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र से परे है, तो इस वस्तु से बहुत सारी किरण निकलेंगी तो जो कि हर दिशा में जाएंगी, पर हमें बस दो किरणों को लेना है। इसमें से पहली किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर जानी है, मुख्य अक्ष के समानांतर, और हम जानते हैं कि कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है अवतल दर्पण से टकराने के बाद फोकस की ओर केंद्रित हो जाती है। तो फोकस की ओर उसको हमने मोड़ दिया। दूसरी जो रेखा हमें लेनी है, दूसरी रेखा हमेशा आप वक्रता केंद्र से होके गुजारी है, वस्तु और वक्रता केंद्र से होते हुए गुजारनी है। तो ये दर्पण से अवतल दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी दिशा में मुड़ जाएगी। यह जो बिंदु है दोस्तों जहां पे ये दोनों किरणें आपस में टकरा रही हैं, आपस में मिल रही हैं, यहां पे हमें उस प्रतिबिंब की जगह मिलेगी। तो ये ए डैश और ये बी डैश, तो यह प्रतिबिंब जो बन रहा है वो उल्टा है और वास्तविक है, क्योंकि यह वास्तविक किरणों के कटने से बन रहा है। तो ये एक तरीका है जहां से हम देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। इस सारणी के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि वस्तु की स्थिति कहाँ हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो अभी अभी जो हमने एक प्रतिबिंब बनाया है उसी पर चर्चा करते हैं। हमने वस्तु को सी से परे रखा था तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बनता है, और उसका साइज अर्थात उसका आकार छोटा होता है वस्तु से, जबकि वस्तु की प्रकृति, वस्तु नहीं उस छाया, उस प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक होता है। इसी तरह हम जब वस्तु को अलग अलग जगहों पर जैसे सी पर, सी तथा एफ के बीच, एफ पर, पी तथा एफ के बीच, या अनंत पर रखते हैं तो इस सारणी से हमें यह पता चल सकता है कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आप इस सारणी को याद कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सारणी है। आइए एक और प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र। इस बार हम वस्तु को इस पोल
और फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु यहाँ है। जैसा कि हमने पिछली बार भी किया था कि इस वस्तु से बहुत सारी किरणें निकलेंगी, पर हमें बस दो ही किरणों का ख्याल रखना है। पहली किरण जो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई दर्पण से टकराए, और कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वो टकराने के बाद फोकस की ओर मुड़ जाएगी, फोकस की ओर केंद्रित हो जाएगी, तो हमने उसको फोकस की ओर मोड़ लिया। दूसरी किरण जो हमें लेनी है दोस्तों, वो है वस्तु से निकलकर वक्र तक केंद्र तक पहुंचने वाली। ये हमने वस्तु से निकालकर वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक किरण बना ली। पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि यह दोनों किरणें आपस में कभी टकराएंगी ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। तब अब क्या कर सकते हैं? तो इस केस के लिए, ऐसे परिस्थिति के लिए हम लाइन को दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो इस ब्लू कलर की लकीर को जब हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, किरण को जब हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो ये दर्पण से टकरा गई और टकराने के बाद ये फिर से वापस लौट आएगी। पर जब इसको हम टूटी हुई लकीर से और पीछे की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, टूटी हुई लकीर, क्योंकि वास्तव में कोई भी किरण दर्पण के पीछे नहीं जा सकती है, तो ये एक आभासी किरण है जो दर्पण के पीछे जा रही है। उसी तरह हम इस लाल रंग की किरण को भी पीछे की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये एक जगह कटती हुई प्रतीत होगी, और वो जो जगह कटती हुई प्रतीत हो रही है उस जगह पे प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर ये ए और बी वस्तु है तो ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है और प्रतिबिंब आभासी है दोस्तों, ये प्रतिबिंब काल्पनिक है। क्यों? क्योंकि यह वास्तविक किरणों के टकराव से नहीं बना, बल्कि यह बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, और वो भी कब? जब कोई व्यक्ति यहाँ से इन दोनों किरणों को देख रहा है, तो उसे ऐसा प्रतीत होगा कि इस दर्पण में इस वस्तु का प्रतिबिंब उसके साइज से बड़ा, उसके आकार से बड़ा बन रहा है, पर वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से हमने सीखा कि अवतल दर्पणों में कैसे प्रतिबिंब को बना सकते हैं। आप खुद भी प्रयत्न कर सकते हैं वस्तु की जगह बदल के, पर हमेशा याद रखें हमें हमेशा दो किरणों का ख्याल करना है, एक किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और दूसरी किरण जो वस्तु से निकलकर वक्रता केंद्र अर्थात सी से होते हुए गुजरती है, और इन दोनों किरणों के टकराव बिंदु पर ही हमारा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों कि जब वस्तु को अलग अलग जगहों पर रखा जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। जैसा कि इस भाग ए में दिखाया जा रहा है कि जब वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आने वाली हर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर ही होती है, तो स्वाभाविक है कि टकराने के बाद वो किरणें हमेशा फोकस पर जाकर मिलेंगी, तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। उसी तरह बी में, जैसा कि हमने खुद बनाया, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो तब उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है, जो कि यहाँ पर बन रहा है। तीसरे केस में दोस्तों, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रख दिया गया, वक्रता केंद्र अर्थात सी पर ही रख दिया गया, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, जो कि साइज में, आकार में उतना ही बड़ा है जितना वास्तविक वस्तु का आकार है। डी में, जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जा रहा है तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तो बन रहा है पर सी से परे बन रहा है और उल्टा भी बन रहा है। ई में, जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है
वो अनंत पर बनेगा दोस्तों। आप इसको खुद से भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया है। एफ जो केस है दोस्तों, उसमें हमने अभी अभी देखा कि जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ए डैश बी डैश यहाँ इस वैसा दिखाया गया है। आइए अब समझते हैं उत्तल दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष यही है जैसा अवतल दर्पण में होता है। मुख्य अक्ष उसको कहते हैं जो पोल, ये पोल यहाँ पे, और फोकस, पोल और फोकस या पोल और वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा है, वही मुख्य अक्ष कहलाती है। और कोई भी समानांतर, इस मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली ये प्रकाश की किरणें यहाँ भी फोकस की ओर ही केंद्रित होना चाहती हैं, पर ये दूसरा भाग जो है, ये भाग जो है इस दर्पण का, वो कालिक किया हुआ है, इधर प्रकाश की किरणें नहीं आ सकती। तो हर प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है विपरीत दिशा में, पर जब उस परावर्तित किरण को आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तब ये फोकस की ओर ही केंद्रित होती हुई दिखाई देगी, प्रतीत हो। ये एक काल्पनिक सोच है, ये वास्तविकता नहीं है, ये काल्पनिक तरीके से मैं इस किरण को पीछे की ओर बढ़ा रहा हूँ, दर्पण के पीछे की ओर बढ़ा रहा हूँ। तो ये फोकस की ओर केंद्रित होते हुए दिखेगी, वक्रता को मैंने यहाँ सी से दिखाया है। ये जो पोल और फोकस के बीच की दूरी है, यहाँ पर इसको भी फोकस कहते हैं, फोकस फोकस। उसी तरह ये है जिस तरह से हमने अवतल दर्पण में देखा था। आइए अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण से कैसे किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाया जा सकता है। तो हम वस्तु को इस उत्तल दर्पण के सामने रखते हैं, माना कि ये ए बी वस्तु है। तो जैसा कि हमने अवतल दर्पण में किया था दोस्तों प्रतिबिंब बनाने के लिए, वैसा ही यहाँ भी करेंगे। चूंकि यहाँ से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, पर हमें बस दो प्रकाश की किरणों को ही लेना है। एक प्रकाश की किरण जो कि समानांतर जानी चाहिए मुख्य अक्ष को, पर ये जब टकराएगी, ये समानांतर किरण जब उत्तल दर्पण से टकराएगी तो यह दाहिनी ओर नहीं आ सकती दोस्तों। क्यों? क्योंकि यह भाग तो कालिक किया है, तो यह दाहिनी ओर नहीं आएगी, ये टकरा करके वापस चली जाएगी। पर आप जब इसको वापस मोड़ें तो इसका जरूर ख्याल रखें कि उस वापस मोड़ी हुई रेखा को जब सीधी दिशा में पीछे की ओर बढ़ाएं तो वो फोकस से होके गुजरनी चाहिए, तो वो फोकस से होकर चलनी चाहिए। दूसरी रेखा, दूसरी किरण जो हमें लेनी है दोस्तों, वो वस्तु से निकलती हुई वक्रता केंद्र तक पहुंचनी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे मिलाने की, पर जैसे ही हम यहाँ पहुंचेंगे, यह जो किरण है वो उत्तल दर्पण से टकरा जाएगी और वापस लौट जाएगी। पर जब आप उस वापस लौटी हुई किरण को भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए। ये जो टकराव बिंदु मिला है, ये टकराव बिंदु हमें बताता है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। तो ये एडस बीडस मैंने लिखा है उस प्रतिबिंब को, जो कि वस्तु से छोटा है और काल्पनिक है। काल्पनिक क्यों? क्योंकि यह वास्तविक किरणों के मिलने से नहीं बना, बल्कि ये बना है एक आभासी किरणों से के मिलने से। तो ये आंखों से तो दिखेगा, जब भी कोई व्यक्ति इस दिशा से उस प्रतिबिंब को देखने की कोशिश करेगा तो वो प्रतिबिंब उसे दिखेगा, जो कि जिसका आकार वस्तु से छोटा होगा, पर वो एक वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, वो एक काल्पनिक प्रतिबिंब है। यहां भी हम इस चीज को देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ ओ और ओ डैश वस्तु है जो कि उत्तल दर्पण के सामने रखी गई है, और आई डैश उससे बना हुआ प्रतिबिंब है जो कि फोकस और पोल के बीच में बन रहा है, जो कि फोकस और पोल के बीच में बन रहा है, जिसका आकार भी वस्तु से छोटा है। तो यहाँ भी वही किया गया है दोस्तों, एक किरण जो कि समानांतर आ रही है, जो कि मुड़ जाती है विपरीत दिशा में, पर जब उसी किरण को आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वो फोकस से होकर गुजरनी चाहिए। और दूसरी किरण जो ली गई है दोस्तों, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात सी से होकर गुजारी गई है, और जो दोनों का टकराव बिंदु है, उस टकराव बिंदु पे यहाँ पर वस्तु के प्रतिबंध को बना दिया गया है।
तो यहां भी हम देख सकते हैं। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। तो पहला सूत्र है दर्पण सूत्र, जो कि होता है 1 बाय बी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों। आइए अब देखते हैं कि इसमें भी यू और एफ क्या है। तो एफ तो आपको पता है कि एफ फोकस दूरी है किसी भी दर्पण की। तो अगर ये एक दर्पण है, अगर ये एक दर्पण है तो इसमें ये इसकी मुख्य अक्ष है, इसका मुख्य अक्ष वाली पी, ये एफ और ये सी। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे वस्तु को रखा है, वस्तु को यानी कि ए बी यहाँ पे रखा है। तो जो पोल से इस वस्तु की दूरी है उसको हम कहते हैं यू। और मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, जैसा कि हमें पता है इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो इस दूरी को कहते हैं भी। पोल से प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं भी, और पोल से ही इस वस्तु की दूरी को कहते हैं यू। और एफ तो आप लोगों को पता है कि एफ कहते हैं पोल से फोकस की दूरी को। तो ये जो दर्पण सूत्र हमने यहाँ लिखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्पण सूत्र है, इसे आप याद कर लें। दूसरा जो सूत्र है वो है आवर्धन सूत्र। आवर्धन अर्थात कि जो दर्पण है वो किसी भी वस्तु को कितना बड़ा या कितना छोटा दिखा सकता है। तो अगर आवर्धन एक से कम है तो वो छोटा दिखाएगा, और अगर आवर्धन एक से ज्यादा है तो इसका मतलब वो वस्तु को उसकी आकार से बड़ा दिखाएगा। जो उसकी छाया बनेगी वस्तु की, वो उसके आकार से बड़ी बनेगी अगर आवर्धन एक से ज्यादा है। तो हम लोग आवर्धन को एच डैश बाय एच, और जो कि जहाँ एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच बिंब की ऊंचाई है, तो आवर्धन को हम लिखते हैं एक बटे के रूप में एच डैश बाई एच, जिसको माइनस भी बाय यू भी लिखा जा सकता है। आप इसको भी याद कर लें, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अब आइए दोस्तों परिचित होते हैं चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है एक प्रश्न को हल करने का। प्रकाश आपका जो ये चैप्टर है, आपका जो ये हमारा पाठ है प्रकाश और उसका परावर्तन, उसके अंदर तो देखते हैं कि ये चिन्ह परिपाटी क्या है। तो ये M और N, ये जो है हमारा दर्पण है, ये एम एन हमारा दर्पण है। तो और ये एक्स डैश और एक्स, एक्स डैश और एक्स जो है वो मुख्य अक्ष है इस दर्पण का। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में कोई भी दूरी अगर हम नापते हैं ऊपर की दिशा में, तो वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है दोस्तों वो। और अगर उसी मुख्य अक्ष के नीचे की ओर कोई दूरी नापी जाए तो वो ऋणात्मक अर्थात निगेटिव होता है, निगेटिव ऋणात्मक। यह पहली चिन्ह परिपाटी है। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर कोई भी दूरी हम पोल से ले रहे हैं, और हर दूरी पोल से ही लेते हैं, तो जो भी पोल से दूरी अगर हम बाईं ओर ले रहे हैं, बाईं ओर अर्थात प्रकाश के आपतित दिशा से उल्टी दिशा में अगर कोई भी दूरी हम नापते हैं, कोई भी दूरी हम मापते हैं, तो वो ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक क्यों? क्योंकि हम आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दूरी नाप रहे हैं, तब वो ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। और जब किसी दूरी को पोल से प्रकाश के आपतित किरण की दिशा में ही नापा जा रहा है, तो ऐसे देखिए हम दाईं ओर इसको ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव अर्थात धनात्मक दूरी है। तो यहाँ पूरी तरीके से हम चिन्ह परिपाटी को एक ही चित्र के अंदर देख सकते हैं कि ऊपर ली हुई दूरी पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, नीचे ली गई दूरी ऋणात्मक होती है, पोल से बाईं ओर ली गई दूरी, बाईं ओर अर्थात हमेशा आप समझिए आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में ली गई दूरी ऋणात्मक, और उसी दिशा में ली गई दूरी, उसी दिशा मतलब आपतित किरण की दिशा में ही ली गई दूरी, मापी गई दूरी धनात्मक होती है। तो ये है चिन्ह परिपाटी। हम इसका उपयोग करके बहुत सारे प्रश्नों का हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब एक प्रश्न हल करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य। ऑटोमोबाइल अर्थात कोई गाड़ी, जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर, कुछ भी।
किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या अर्थात सी रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करिए। स्थिति मतलब कि भी, प्रकृति मतलब वो वास्तविक है, उल्टा है, सीधा है, और साइज अर्थात वो वस्तु से छोटा अथवा बड़ा है। तो यहाँ से हम कुछ चीजें जो ज्ञात कर सकते हैं वो ये है कि वक्रता त्रिज्या, यहाँ मैंने उसको R से दिखाया है, वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है और जिसको पॉजिटिव धनात्मक लिया है हमने। बिंब दूरी अर्थात वस्तु की दूरी U और जो कि ऋणात्मक है, ऋणात्मक 5 मीटर। देखते हैं क्यों मैंने यहाँ ऋणात्मक लिखा उसको दोस्तों। तो ये एक उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण को हम ऐसा बना सकते हैं, यहाँ हमने उत्तल दर्पण रखा, ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष हुआ। प्रकाश की किरण हमेशा इसके उत्तल भाग की ओर आ रही है। अब देखते हैं, कहा जा रहा है कि वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, तो वक्रता त्रिज्या जो यहाँ R से मैंने दिखाया है, जो कि हम पहले C से देखते हैं, यहाँ इसको R से ही दिखाते हैं। ये वक्रता त्रिज्या हम हमेशा पोल से जब इधर की ओर दूरी मापेंगे तो ये दूरी प्रकाश के किरण की दिशा की दूरी में ही, प्रकाश किरण की दिशा के जैसी ही है, तो ये दूरी धनात्मक है, पॉजिटिव दूरी है। अगर कोई दूरी हम इधर नापेंगे तो ये प्रकाश की किरण की दिशा के विपरीत दिशा में होगी ये दूरी, तो ये धनात्मक दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या धनात्मक, बिंब दूरी यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु देखिए दोस्तों, वस्तु कहीं यहाँ रखी होगी, इधर कहीं भी हो सकती है वस्तु, यहाँ से कहीं भी हो सकती है वस्तु, तो ये वस्तु है। और वस्तु की दूरी को जब पोल से नापेंगे तो हमें प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा, प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा, तो ये दूरी ऋणात्मक है, इसीलिए यहाँ इसको -5 मीटर लिखा है। प्रतिबिंब दूरी भी हमें निकालनी है दोस्तों, प्रतिबिंब की ऊंचाई हम ज्ञात करना चाहते हैं, उसका साइज ज्ञात करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, फोकस दूरी हम निकाल सकते हैं, फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, तो 3/2 इज इक्वल टू धनात्मक 1.5 मीटर। हमें पता है, हमने अभी अभी ये सूत्र देखा, 1/v + 1/u = 1/f। यहां से हम यह भी कह सकते हैं कि 1/v = 1/f - 1/u, बस इसको आप अदला बदली कर दें इसके दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ, तो आप इसको पा लेंगे। यहां से जब हम निकालेंगे दोस्तों, तो v जो है, v अर्थात प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी हमें मिल जाएगी धनात्मक 1.15 मीटर। और आवर्धन, आवर्धन हम क्यों निकालना चाहते हैं, ताकि हम उसका साइज निकाल सकें। तो आवर्धन का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था, सूत्र उसका अभी अभी हमने देखा था, इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इसको हम यहाँ पर इतना लिख सकते हैं दोस्तों, बस आप उन सारी जो आपको द्रव्यमान मिला था ऊपर में वी का, यू का, उसको बस आपको यहाँ पर रख देना है। तो इस तरह से आपको आवर्धन मिलेगा +0.23। ये 0.23 यह बतला रहा है दोस्तों कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक वस्तु से इतना गुना छोटा है, या वास्तविक वस्तु का इतना गुना है। अर्थात अगर वस्तु ए बी साइज का है, ए बी उतना बड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा 0.23 × AB। तो इस प्रश्न में दोस्तों वस्तु का आकार नहीं दिया है, वस्तु का साइज नहीं दिया, तो उत्तर लिखने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 0.23 गुना है। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v प्लस 1.15 हमें मिला। तो
हमने स्थिति स्पष्ट कर ली। वस्तु की प्रकृति हमें प्लस साइन धनात्मक चिन्ह से पता चलती है दोस्तों। तो प्लस चिन्ह जो यहाँ है यह बतलाता है कि वस्तु अपनी प्रकृति में उल्टा है। अगर ये माइनस होता तो हम कहते वस्तु अपनी प्रकृति में सीधा है। तो ये प्लस साइन हमें बतला रहा है दोस्तों कि ये वस्तु जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है प्रकृति में। और साइज साइज चूंकि यहाँ वस्तु का खुद नहीं दिया तो हमने क्या किया, हमने आवर्धन निकाला है और ये कहा है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार से का इतना गुना है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं दोस्तों। तो इस कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन और उससे फिर हम कुछ प्रश्न बनाएंगे दोस्तों। धन्यवाद।